हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, इस चैनल की होस्ट और आपकी दोस्त। आज हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं आलू फूलगोभी की पोस्तू। उसके लिए मैंने इधर आलू को काट लिया है और इधर फूलगोभी को भी ले लिया है। कढ़ाई बैठा दिया है, इसमें सरसों का तेल डाला है। इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में तेल डालिएगा क्योंकि फूलगोभी पूरे तेल को अब्जॉर्ब कर लेती है। और सबसे पहले आलू को ही फ्राई कीजिएगा। आलू को हम फ्राई कर लेते हैं। ये है पहले जीरा डाला मैंने, साबुत जीरा। इसके साथ ये हम फोड़ंग डाल रहे हैं। यह है काला जीरा, थोड़ा सा उसको अच्छे से हाथ में क्रश कर लीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा मेथी दाना है, ये 6-7 करीब ले लीजिएगा। ये तीन चीज डालेंगे। इसके साथ थोड़ा सा हींग, इससे पोस्तू में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं आज इसमें ऑनियन यूज़ नहीं करने वाली हूँ, ये बिना ऑनियन के ये हम बना रहे हैं आज। इसमें आप ऑनियन भी डाल सकते हैं, बारीक काट के भी डाल सकते हैं, और पोस्तू का जो पेस्ट बनाएंगे उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो चलिए, फोड़ंग को हम लोगों ने थोड़ा सा तल लिया है तेल में। अब इसमें हम आलू को डाल देंगे। और इन सारी सब्जियों को, आलू और फूलगोभी को, हमें एकदम रेडिश गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इस थोड़ा टाइम टेकिंग है, पर इसको थोड़ा अच्छे से फ्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुका है, एक लेयर बन चुका है फ्राई होने का। अब इसको निकाल लेते हैं कटोरी में। अब फूलगोभी को भी हम लोग फ्राई करने के लिए डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, अदरवाइज तेल छिटक छिटक जाएगा। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, एकदम रेडिश होने तक फ्राई करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेता है, पर आप फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको मैंने काट के धो के रखा था। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, पूरा लाल लाल अच्छे से हो जाना चाहिए। अदरवाइज फूल गोभी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। देखिए, एक साइड से ये लाल हो चुका है और इसको थोड़ा सा चला लेते हैं कि दूसरे साइड से भी ये थोड़ा सा रेडिश हो जाए। अब इसको उलट पलट कर दें, जिस तरफ में ये सिका नहीं है अच्छे से या फ्राई नहीं हुआ है उस तरफ उसको पलट दें, ये हर तरफ से रेडिश हो जाए। देख सकते हैं ये हो चुका है। अब इसमें ये जो आलू हमने निकाल के रखे थे फ्राई करके, इसको भी डाल दिया है। सबको मिला देंगे। और आपने नोटिस किया होगा, अभी तक मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया है, मैंने ऐसे ही जस्ट इसको फ्राई किया था। अब इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। पूरी क्वांटिटी देखने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कितना सॉल्ट लगेगा, इसीलिए मैंने पहले नहीं डाला था। ये सॉल्ट ऐड कर दिया, इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं।
और पोस्तू का पेस्ट जिसको खसखस भी बोलते हैं, ये मैंने बना के रखा है। इसमें मिर्ची डाल के पेस्ट बनाया है। आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। इसको डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। इसको थोड़ा फ्लेम को कम कर दिए हैं और ये जो मिक्सी जार था उसको अच्छे से धो के उसमें डाल दीजिएगा। थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में थोड़ा सा पोस्तू डालिएगा, अदरवाइज़ ये अच्छा नहीं लगेगा। और इसको आप थोड़ा सा रसेदार या सूखा जैसा आपको पसंद हो वैसा बना सकते हैं। जनरली ये सूखा सूखा ही रहता है, पर अगर इसको आप चावल के साथ खा रहे हैं, ये चावल के साथ ही अच्छा लगता है ज़्यादा। और अगर दाल के अगेंस्ट में दाल नहीं चाहिए आपको, अगर आप दाल नहीं खाते हैं, तो आप इस सब्ज़ी की जो रसेदार बना के इसकी ग्रेवी से भी अपने चावल को खा सकते हैं, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। आज मैं इसको मीडियम ग्रेवी में बना रही हूँ। ये लगभग रेडी हो चुका है, रेडी नहीं हुआ है अभी तक, बॉईल नहीं हुआ है। इसको थोड़ा सा कुक करना अभी बाकी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए इसको अब हम ढक देते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं ये पका या नहीं। देखिए काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो चुका है, मतलब ये अब कुक हो चुका है। अब ग्रेवी आपको जिस हिसाब में रखनी है उस हिसाब में रख के गैस का फ्लेम आप बंद कर सकते हैं। ये रेसिपी अब रेडी है। अगर आपको थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बाय बाय।